ऐसा रुको ना, इधर सिर पर खड़ा बन जा रही है। चल तू झूला ला एक बार। हाँ भैया बता कहाँ से आया तुम? लग गया। हाँ सोनीपत से। क्या वास्ता है ये? पहले बता दर्शक की घुमा के लेकर आना पड़ता है, वो तुम लेकर नहीं पता था। तुझे नहीं पता था तो किसको पता होगा, तेरे लोग को? इनको तो वैसे कुछ नहीं पता। क्यों ये हो के कल का बाढ़ जब बाढ़ का कुछ नहीं पता होगा है? ये मानते ही नहीं है ना। किसको नहीं मानते? मुझे भी किसी चीज को भी नहीं हुई। अच्छा तेरे को तेरी लुगाई नहीं मानता कि बहन मानना तेरे को? डोंग लगता है इनको मतलब। बंदे साथ मारो तो वैसे यार क्या तो लेके आया साथ में आया वो हूँ। वो तो घर घर का कलेश है, वो छोड़ तू। तेरे को पता है लुगाई जब तक कौन समझ सका आज तक जीत सका क्या तू? यही हार मान ले पहली बात तो अपने की आप ठीक मैं गलत पहली बात तो सही बात है। अब ये बता अब तेरा क्या पुत्र को क्या लगता है मेरे घर में तू बता क्या मस्ता है? अब तू मैं एक तो अपने लिए आई हूँ। क्या हुआ है तेरा? नहीं पता। क्या नहीं पता मतलब कुछ तो होता होगा तेरे साथ जो यहाँ पे आ गई नहीं अदरवाइज आने की क्या जरूरत थी? मेरे को पूरे शरीर में दर्द रहता है। डॉक्टर को दिखा फिर? डॉक्टर का इलाज नहीं है। अच्छा क्यों डॉक्टर के कब है? आपको सब पता है। मैं नहीं बताता जा डॉक्टर के कब है फिर? आपको सब पता है। आपको सब पता ये लोगों को बता बता के ना हमने अपने हाथ पर तुड़ाया बैठा इस करके मैं ना बताने से ना मैं बहुत घबराता हूँ। क्या बोलू तेरे को मैं? एक मेरे पास सुन, पहली बात तो ना बच के रहे समझ गई, कुछ चीजों से बच के रहे ना कि घर में कई चीजें काम कर रही है समझ गया? ओहो खुल के थोड़ा दूर हो जा। दूर है खुल के बंद है इनके घर की है भाई रुक के पड़ी है प्रवेश पर ड्रेस पे चीजा का इनके इनकी है दो चीजें हैं एक तो है कि देवी दूसरा इनके यहाँ की मरी औरत कोई मर रही है फिलहाल तो कोई नहीं फिलहाल के उन्हों के तो गोली मार का है फिलहाल का क्या मतलब होया भाई आपके लिए कोई लुगाई है तुम्हारे यहाँ पे मर रही है कोई? हमारी दादी गुजरी थी बहुत पहले। दादी नहीं है बेटा यो कोई जो है इसमें हो रही है यो जैसा मेरा हो रही है ना हालत हाथ नहीं मतलब क्या होता है ये बालक हो रहा है बड़ा जिस तरह उसकी किस्म हो रही है यो हाथ रखे इसको तंजता है जो है तंगी में लेकर के चला इसको और कई चीजें जैसे काम करती है इस पर। खुल जा खुल जा खुल जा पीछे हो जा तू खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा नहीं मैंने प्रकट करनी पड़ेगी नहीं फिर मेरे को ना बोलिए अभी वो फिर मैं उठना नहीं चाहता चक्कर ये है अभी नहीं अभी हम आपको भी तकलीफ आने जा रही है कोई नहीं नहीं मेरे को प्रकट करनी पड़ेगी नहीं मेरा दो मिनट का काम है फिर मानेंगे ठीक है मैं तो बार बार बोला ही फिर स्कोर क्या खुल जा उसके नहीं मानना ना ना कोई नहीं ये कोई टेंशन ना है ये कोई टेंशन जिम कोड हाँ कोई नहीं कोई तो नहीं खुल का बोल भाई जिम कोड कौन है तू कैसे होता है चक्का मेरे देवी छोड़ दूंगा मेरा क्या है खुल लेना दे तो अगला कोई आ रहा कष्ट में वो भी बेचारा बाल खोल पहले खोले कोई ना खुलने दे खुल जा कोई टेंशन नहीं कोई टेंशन नहीं क्यों भूत प्रेत कोई आमिनी प्रवेश करते हैं अगर वो होते हैं तो बन जाते हैं कोई नहीं खुल जा बस कर दूंगा देव देवता होगा बुझवा दूंगा भूत प्रेत होगा बजा दूंगा कोई टेंशन नहीं हो जा चिमकड़ी अच्छे हो जाए
खुलेगी अब खुलेगी है मानती हूँ अजय इतना टाइम नहीं मैं तो आप खा रहा हूँ चल चल हाँ बोल भाई क्या सुनता है तू माई के जयकार तो दुनिया लगाते अंडा है कोई नाम पहचान कुछ तो होगा तेरा हैं कुछ को नहीं फिर देख पर मेरे दूत क्या होता तो भूत भी बाजा है सिंपल सी बात है मैं इतने देर तक देख मैं देखे नहीं करता ना मैं इस तक कस्टमर देख सकता मैं तो चल हूँ जो हूँ कस्टमर लेकिन फिर मैं तो जब तक कस्टमर देख सकता मैं अपनी आई पाऊंगा फिर खुले जो माता का नाम ले वो शक्ति होगी तो प्रणाम हो जाएगा मैं करना ही मैं ना देख सकूं किसी का समझ गया एक और सर पे की क्लिप खोल ना ना कोई नहीं वो है नहीं अपने सेंसेस में नहीं है वो है नहीं अभी खुल जा इतनी देर तक मेरे को बुलवा ना दे फिर मैं अपने तरीके से चलूंगा फिर बोले बोले तुम्हें ये देखा लिया मेरा सुंदर अरे पता है मैं कितना कर रहा हूं उस चीज में इस करके मेरे को मजबूर ना करो कि मैं अपने हिसाब से चलूं या तो ईमानदार से मुंह खोल दो अपना नहीं मैं अपने हिसाब से मुंह खुलवाने जाऊं तुम्हें पता है बड़ी बात है ठीक है ना बच्चे आए हैं दुख से दुख कड़ाई में है रास्ता पाओ देवी देवता हो तो जो है ठीक है अगले मानेंगे अगर कोई माड़ी चीज है मैं नहीं खड़े नहीं दूंगा यहाँ पे याद रख जवाब दे रहा है कि नहीं दे रहा है दे फिर क्या नाम था नहीं पता औरत का नाम भी होगा कोई नाम क्या उसका इसकी माँ इसकी माँ इसकी माँ इसकी माँ क्या वास्ता भेजे इसकी माँ क्या करवा के भेजा इसकी माने भेजा इसकी माने भेजा मुझे इसकी माने भेजा कब भेजा इसकी माने भेजा मुझे जवाब दे माने भेजा इसकी आगे बता इसकी माने भेजा मुझे मैं क्या करूं नाम क्या तेरा मैं क्या करूं मैं जाना चाहता हूँ किस मंदिर में बंद है तेरे को किस चीज का क्या कारण है जिसके कारण तू जा नहीं पा रहा अगर तू जाना चाहता है कहाँ इसके कपड़े उठाए हैं कपड़े कहाँ दबाए हुए हैं कपड़े कब्र में कब्र में कहाँ पे उसको कब्र में दबाए कहाँ है कब्र जगह बताओ उस कब्र की
बोलना तो तेरे को पड़ेगा, देख तेरे को पता नहीं मेरा चिमटा चलेगा, तेरे को पता है, देख मैं इस समय कंडीशन में नहीं हूँ, लेकिन बैठ जाएगी मैं अपनी आई पे आ जाऊंगा। अच्छा कब दबाए इसके कपड़े कब्र में? बहुत साल हो गए। चाहती क्या इससे ये बता? इसका नाश करना चाहती है वो, इसका नाश करना चाहती है, इसको नहीं पसंद करती शुरू से। तो घर बस लिया, पसंद ना करने पे ना करने या ना करने पे क्या बात जाती है? जब घर बस रहा है इनका बसा बसा कर क्यों जाट रही है? नहीं जाती वो। तो घर बस लिया, घर बसते हुए जो है पसंद है, हमें उजड़ते हुए हमें भी जो है पसंद नहीं है। देखिए यहाँ से तो देखते को जाना पड़ेगा, इसके ऊपर से भी देखते को जाना पड़ेगा, ये तू भी जानता है। मैं जाना चाहता हूँ, ये मुझे जगह जगह लेके जाती है मंदिरों में, मुझे जगह जगह भटका रही है, मैं निकलना चाहता हूँ। चल तुझे मुक्त करता हूँ मैं, निकलना चाहता हूँ। मैंने इसको बहुत कष्ट दिया, मैंने इसको तार तार मारा इसके शरीर का, नोच नोच डाला मैंने इसके शरीर का, नोच डाला मैंने इसके शरीर को, जब तक मैं इसको मारूंगा नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा इसको, मैंने कसम खाई है इसको नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। तेरी कसम खाने क्या है, एक प्रेत की कसम का क्या वादा होता है? जिंदे इंसानों के वादे होते हैं, वो तेरा गुकुल रीत सदा चली है, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तेरे तो प्राण भी जा चुके हैं, अब तेरे वचनों का क्या मूल्य है? वचन तो चलते हैं देवी के सच्चे होते हैं, प्रेतों के काय के वचन? मान जा मेरी बात, देवी माँ के चरणों में मुख खोल जा, पूजा करती है माँ की, माँ की पूजा करती है, माँ की पूजा करती है, माँ के चरणों में मुख खोल जा। चल क्या करूँ मैं, ये मेरे साथ नहीं रहती ढंग से। कोई नहीं माता को तुम बुला देंगे, क्या टेंशन ले रहा है तू? साथ नहीं रहती ढंग से, मैं इसको रखना चाहता हूँ अपने पास, पिट जाएगा नहीं? चलो वचन दे मेरे को, सीधा होके हाथ करो, पानी लोगे? नहीं दूंगा। इसने मुझे बहुत रुलाया, पूरी जिंदगी मुझे हो गया भटकते, पूरी जिंदगी मुझे भटकते हो गया, भटकते हो गया मुझे, इसने मेरे शरीर को नोच खाया इसने मेरे शरीर को। वो तो कह तेरा बकवास, इसको मुक्त कर, मुक्ति दे रहा है कि नहीं? हाँ या ना, मैं जवाब चाहता हूँ, नहीं देखा मैं अपनी आई पे आऊंगा, मैं भूल जूंगा, नहीं तो उस देवी की जिसकी बात कर रहा है ना, उसे देवी को यहाँ पर कट करके उसी से चितवाऊंगा तेरे को, आ गया समझ? इस करके ईमानदारी से मेरी बात मान जा, मैं धक्का तेरे साथ करना नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता था किसी का खून नहीं करना तेने, मैं परेशान करना नहीं चाहता, मुझे बांध दिया, उतने बांधा है मैं मुक्त कर रहा हूँ तुझे, बेवकूफ बना के रखा गया, इतने वर्षों तक तुझसे बुरे कर्म करवाए गए, लेकिन ये दरबार ऐसा है, सच्चों का दरबार है, भक्तों का दरबार है, किसी के साथ बुरा नहीं हम होने देते, तेरे साथ भी हम नजायज नहीं होने देंगे, भले तेरे साथ उतने नजायज किया हो, पर मैं ऐसा नहीं हूँ कि किसी का नजायज करने दूंगा, ना इस बच्चे के साथ नजायज होने दूंगा, जिसने भेजा उसके साथ भी नहीं होने दूंगा, तेरे को भी मुक्त कर दूंगा, मंजूर है? बच्चे रुल रहे सब हो जाएगा, देव मके वाले छोड़ इसको, चल टाइम नहीं है, चल चल सही से पकड़, बोल मैं किसी जीव जंतु पशु पक्षी प्राणी मात्र को यदि मैं सताता हूँ यदि किसी भी प्रकार से
बोल 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 यदि वचन दे रहा कि नहीं बोल यदि दूंगा बोल यदि दूंगा वचन भी दूंगा सारे काम करूंगा यदि उस औरत का नाश कर यदि मेरी बात सुन उस औरत का मेरे से चिंता है गाबी है मैं आया हूँ ना तू तेरी मैं आया हूँ मेरी बात सुन फटाफट देख ले मार निकाली तो फटाफट कर ले देख ले कितने देख तेरे को पता है मैं तो कितना बैठा हूँ इस मामले में मैं पाकिस्तानी हूँ ईमानदारी से वचन दे दे मैं यहाँ पे भला चाह रहा हूँ देख मेरे से बुरा काम करवाना तू देख नहीं मैं अपनी आई पे आ गया मैं क्या करूंगा देख फिर ठीक है ना चल वचन दे वचनों की मान रखे यहाँ पे चल जल्दी गंगा जल अपवित्रीकरण हो रहा है समझ गए ना बोले मैं यदि किसी जीव जंतु पशु पक्षी प्राणी मात्र का बुरा करता हूँ किसी से किसी भी प्रकार की भोग की प्रसाद की मांग करता हूँ यदि मेरे द्वारा किसी भी जीव जंतु को सताया जाता है तो मैं माँ काली के खुंड में खप्पर में अपने आप को समर्पित करता ले दूसरा वचन और दे दूसरा जल गिरना चाहिए सीधा कर हाथ सही से कर कर सीधा जल गिरना चाहिए बोल मैं बोल मैं अब पापी दुनिया से तोड़ना चाहता हूँ माँ भगवती मुझे अपने चरणों में सदा के लिए विलीन कर ले जा इसको छोड़ दे जा मुक्त हो जा कोई फायदा नहीं जा चला जा हमेशा के लिए जा पकड़ो तुम बस सिर ना लगे बस करो।